धरती पर माँ ही भगवान का रूप है। भगवान धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया। माँ ही सबसे पहली गुरु होती है जो संस्कार देती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता संस्थान के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे पर सूचना केंद्र में माँ तुझे सलाम अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से जुड़ी गणमान्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। समाज में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है, उनको भी सम्मानित किया गया। संस्था संरक्षक राजेश महावर ने बताया कि हिंद सेवा दल की ओर से समय समय पर देश के सम्मान और महिलाओं को लेकर विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी रेखा जैन ने कहा कि कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ साथ फोक नृत्य व विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों के रूप में पधारी महिलाओं का तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। माँ तुझे अवार्ड, ये कार्यक्रम हमने इस सोच को ध्यान में रखते हुए किया, क्योंकि आज की परिस्थिति में पूरी दुनिया में, आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में, हम नारी को इस वस्तु के रूप में देखते हैं, जबकि नारी तो हमारी शक्ति है, नारी हमारी माँ है। क्योंकि नारी के बिना, नारी ना होती, माँ ना होती, तो आज हम जन्म ना लेते हैं। नारी ना होती तो ये दुनिया ना चलती, पुरुषों से दुनिया नहीं चलती, चलती तो माँओं से, क्योंकि माँ ही वो शक्ति है। अगर आज बच्चा कितना भी तकलीफ में हो, सबसे पहले अपनी माँ को ही पुकारता है, किसी भी रूप में वो अपनी माँ को पुकारता है, क्योंकि माँ के नाम लेने में अपने आप में एक शक्ति है। उसी को कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज की आवश्यकता है कि हमें अपनी माताओं बहनों के लिए कंधे से कंधा मिला के उनके लिए रक्षा, उनके लिए कार्यक्रम आज 15 महिलाओं को लेकर सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, देशभक्ति गीतों का आदि कार्यक्रम आयोजित। जैसा कि हम जानते हैं कि आज मदर्स डे के रूप में हम पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मदर्स डे मनाते हैं। वैसे तो मेरी नज़र में 365 डे ही मदर्स डे है, क्योंकि माँ वो शक्ति है, माँ वो रूप है जिसके बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आज सूचना केंद्र में हिंद सेवा दल की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें माँ तुझे सलाम माँ को, उन माँ को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने लिए कुछ किया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया और एक अलग सी पहचान बनाई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो आप परिवेश देख रहे हैं जिसमें जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर उनको डाल दिया जाता है, ये भी नहीं सोचते हैं कि 9 महीने जिस माँ ने आपको पेट में रख कर के पाला, कितनी उम्मीदों के साथ वो आपको दुनिया में लाई, और जब आज उसको आपकी ज़रूरत है तो आप इस तरह से उनको वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी माँ की कद्र कीजिए, उन माँ की कद्र कीजिए जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, अपने पास रखिए, उनकी सेवा कीजिए ताकि आपको ज़िंदगी में उनके दुआओं से ही सब कुछ मिल सके। यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है PTET BSc BEd और BA BEd परीक्षा संपन्न। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।